अभी मैं कुछ दिनों पहले पुणे गई थी, तो वहां पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी गणपति के लिए, क्योंकि गणपति के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारा कुछ भी रहता है। तो उसके लिए आज ना मतलब मैं गई थी तो बहुत सारा सामान लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कुछ मिलेगा भी या नहीं, तो सोचा कि सारी चीजें उधर से ही लेके आ जाओ। तो बहुत सारी शॉपिंग की है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो वो सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो ये है, इसको हमारे इसमें पाट कहते हैं। तो ये जो है ना, ये इस पे पूरा गोल्डन डिजाइन है। तो इस पे आप देखोगे तो इस पे मोर का डिजाइन है। ये बड़ा साइज में है और उसी में मैंने एक छोटा साइज में लिया है। तो ये दोनों भी साथ में इस तरह से रखूंगी, एक पे समाई रखूंगी और एक पे गणपति रखूंगी। तो ये दो चौरंग जैसे मैंने पार्ट लाए थे। उसके बाद ये पीतल का तांबा है, इस पे ना बहुत छोटी ऐसी डिजाइन बनाई है। और इसका जो वजन है ना, ये भी बहुत ज्यादा है, मतलब हेवी वेट में आता है। तो इस पे नारियल की भी पूजा हो जाती है, तो ये इसके लिए मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है, ये दो छोटी समाई है, मतलब दिया बोल सकते हो आप। तो ये मुझे ना थोड़ी नई डिजाइन मिली पुणे में, तो मैंने ले लिए। मतलब थोड़ा यहाँ पे डिजाइन ना थोड़ा ये हो गया, पर फिर भी मैंने देखा नहीं, तो ये काफी अच्छा लग रहा है दोनों। और इसमें एक छोटा और एक बड़ा लेने वाली थी, पर ये दो इस तरह से सेम में अच्छे लग रहे थे। और ये इस पे ना, ये जो पार्ट है इस पे बहुत अच्छे मतलब बैठ रहे थे, तो ये मैंने ऐसे ले लिया, तो ये काफी अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक प्लेट लिया है, और प्लेट में मैंने ये अलग अलग सेपरेट वाटी लिया है। तो ये वाटी जो है ना, ये मतलब हमारे यहाँ पे हल्दी और कुमकुम राइस वगैरह सारी चीज़ें पूजे के लिए लगती है, तो ये एक में बैठ जाएगा। और ये जो प्लेट है ना, इसका पूरा मेजरमेंट लेके मैंने ये जो प्लेट है वो ली थी, और ये 6 वाटी उसके साथ मिली थी। तो ये आगे दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये आसन लगते हैं हमारे इसमें, तो ये मैंने 2 कलर्स में लिए, एक येलो में लिया, ये छोटा है, और एक बड़ा है रेड में। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इस पे आप अगर भगवान जी रखोगे ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये 2 लिए थे। उसके बाद यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है जब चाहिए तब, और इमरजेंसी में कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो हारी है, आर्टिफिशियल हारी, मतलब ये पूरा अगर मेरा जो देवघर की उसको लगाएंगे ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये बड़ा वाला हार है। उसके बाद इसी में मैंने छोटा वाला, छोटे वाले ये जो 2 हार है वो भी लेके आई हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो ये 2 है। उसके बाद और एक सेट है, इसमें सेट ऑफ 5 में छोटे छोटे हार हैं, छोटे छोटे भगवान जी के लिए। उसके बाद कृष्णा का जो वस्त्र रहता है वो भी लेके आए, तो इसमें भी मैंने 2 लाए हैं, एक रेड में है और एक ब्लू में है। ये तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। डेकोरेशन के लिए ये 2 चीज़ें लेके आई हूँ, तो ये 2 एक बाजू में, मतलब दोनों बाजू में बहुत अच्छा लगेगा। इसका जो कलर है ना वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। आपने ये देखे होंगे ऑनलाइन, पर ऑनलाइन बहुत महंगा लग रहा था, तो सोचा अभी पुणे जा रही तो वहाँ पे देख ही लेती हूँ, तो ये बहुत सस्ता मिला है मुझे। उसके बाद धूप स्टिक्स लाए हैं, तो धूप स्टिक्स ना अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि ये जो है ना, ये तो यहाँ पे जो धूप स्टिक्स मिलते हैं ना वो ड्राई में मिलते हैं, और मुझे ना ड्राई में नहीं चाहिए थे, मुझे वेट वाले चाहिए थे। तो ये सारे जो है ना, ये धूप स्टिक्स है, ये गीले वाले हैं, मतलब इसमें ना थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वो धूप है ना वो चल जाती है, और इसका ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता है, धुआं भी नहीं निकलता है। उसके बाद आपने ये कप देखे होंगे धूप के, अभी नए आए, तो इसमें भी मैंने 2 फ्लेवर्स लेके आई हूँ। तो ये है चंदन वाला फ्लेवर और ये है रोज़ वाला फ्लेवर। तो इसमें 12 है एक में, और मुझे काफ़ी सस्ते मिले, और फ्लेवर भी तो मुझे अच्छे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा तो एक ही फ्लेवर था, और वो मतलब पता नहीं कैसे चलेगा, पर ये तो रहेगा। तो ये 2 है इसमें, एक रोज़ का फ्लेवर का कप है, इसमें 12 है, और एक है चंदन का, इसमें भी 12 है। तो इनको अभी मैं स्टोर करूँगी, तो वो किस तरह से स्टोर करूँगी वो मैं अभी बताती हूँ। और ये सारी चीज़ें अभी मैंने देवघर में रखूंगी, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको मैं किस तरह से रखती हूँ।
तो ये कुछ ग्लास के कंटेनर्स है, उनको मैंने किचन में से निकाल के अभी यहाँ पे देवघर में रखूँगी, ताकि ये जो धूप वगैरह है ना, इनकी जो स्मेल है ना, वो कायम रहे, क्योंकि इनको अगर आप एक बार खोलोगे ना, तो इसकी जो स्मेल है ना, वो कम होती जाएगी। तो उससे बेटर कि उनको अगर मैं कंटेनर्स में रखूँगी ना, तो वो कायम रहेगी। और यहाँ पर मुझे पता है कि ये इस तरह के जो धूप वगैरह है ना, ये मिलेंगे नहीं, या फिर पता नहीं मिलेंगे भी बाद में, पर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मुझे इनको अच्छे से संभल के रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कंटेनर्स में रखूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स भी हैं, तो उनके इसमें जो भी बैठ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं उसमें रखूँगी। तो ये एक ट्रंक है, वुडन ट्रंक है, तो इसमें मैंने जो पुराने वाले भगवान जी है, या फिर मतलब हमारे जो पूजा के लिए जो भी आसन या फिर कुछ नैपकिन्स वगैरह जो भी लगता है ना, वो उसमें रखा है। अब इन कंटेनर्स में जो भी हमारा पूजे का सामान है, जो हमें कभी कभी लगता है, वो सारी चीज़ें रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले सुपारी रखी है, उसके बाद मैं कुमकुम एक कंटेनर में रखूँगी, और ये जो छोटे छोटे हार हैं, इनको मैं इस तरह के जो हमारे छोटे टिफ़िन है, जो मैं अभी किचन में नहीं इस्तेमाल करती, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मुझे लग रही है कि बाबा इनको मैं कंटेनर्स में रखूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो ये जो धूप है ना, इनकी जो स्मेल है ना, तो वो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं बार बार काम करते टाइम भी मैं स्मेल ले रही थी, तो आप देख सकते हो कि इतनी अच्छी स्मेल लग रही थी मुझे। तो थोड़ी कॉस्ट में तो ज़्यादा आ जाता है, पर ये सारी चीज़ें ना घर में अच्छा लगता है। मतलब आप अगर कुछ घर के लिए रूम फ्रेशनर वगैरह लेते हो, तो उससे बेटर कि आप अगर धूप रखोगे ना, तो ये मतलब मुझे तो अच्छा लगता है घर में। तो यहाँ पे मेरे पास ना सिंगल ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, तो इनको भी अब मैं पूजा में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जब पूजा वगैरह रहती है ना कुछ, तो ना यहाँ पे नज़दीक में कुछ फ्लावर्स वगैरह नहीं मिलते, तो ये मुझे बेटर ऑप्शन लगता है कि जब भी कुछ लगेगा, तो ये सारी जो फ्लावर्स हैं, इनको मैं पूजा के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही बॉक्स में रखे, ताकि वो मुझे जब भी चाहिए तब मिल जाए। तो यहाँ पे देवघर के नीचे ना मुझे सिर्फ दो ही ड्रॉवर मिले हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सारी चीज़ें इसमें बैठ जाएगी। तो जो मेरी पूजा की थाली है ना, उन चीज़ों को मैं कहीं और रखूँगी। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। सो आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि अभी पुणे से आई हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा किचन का काम बाकी है। तो आज की जो वीडियो वो छोटी बनी है, पर आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जो अभी मैंने धूप के कप्स लाए हैं, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी, तो वो दिखाती हूँ वो किस तरह से अभी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है उनके बारे में। तो मैंने सुना है कि वो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, मतलब अगर एक बार लगाएंगे ना, तो 2 घंटे तो वो लगेगा, और जो भी स्मेल है ना, वो अच्छी आएगी। तो देखते हैं अभी इसका जो रिव्यू है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे ही दूंगी। तो अभी हम धूप लगा ही देते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।